उन्होंने आकाश जी ने आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है नेटबॉल को लेके। आज इनका अपना जो यूटी चैम्पियनशिप है आज इसका फिनाले है एंड जो ये बच्चों को मतलब एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं स्पोर्ट्स में आगे आने की, इसमें मेरा पूरा सपोर्ट है इनको, आकाश जी को। एंड एक बहुत अच्छा ये हमारे जम्मू के यूथ के लिए, हमारे इनफैक्ट J&K के यूथ के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे स्पोर्ट्स में आने चाहिए, बिकॉज़ आजकल का जो हमारा यूथ है वो गलत रास्तों पे चल रहा है, कोई ड्रग्स में है। तो ये जो स्पोर्ट्स हमारा एक लाइफ का एक ऐसा एक जो रहता है हमारी लाइफ में, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जिसमें स्पोर्ट्स में एक तो आपका स्ट्रेस आपका ख़त्म होता है और आपकी फ़िज़िकल और मेंटल आपकी जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी एक मैटर करती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी, मैं इनको पूरा कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। थैंक यू। आज यहाँ पे नेटबॉल का यूटी लेवल का चैम्पियनशिप जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और ये सारे जो इवेंट्स हैं ये विद कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ द J&K स्पोर्ट्स काउंसिल किए जाते हैं और आप देख रहे हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी जो सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स काउंसिल की, नुज़त गुल, जिनके लीडरशिप में हम हर स्पोर्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ना केवल एज अ मीडियम ऑफ एक्सीलेंस बट ऑल्सो एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो बच्चों से लेके मोहल्ले से लेके कोई बिजनेस हाउसेस या लॉयर्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें अगर सपोर्ट अप्रोच करते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो ये दो दिन चलेगा चैम्पियनशिप और मैं इसमें आकाश जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के कोच हैं और अजीब बत्रा जी और उनकी पूरी टीम को मुबारक करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं। मेरे साथ भीषम बत्रा जी हैं जो बत्रा ग्रुप से हैं और ये स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर विनय तुसु यहाँ आए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो सबकी यही कोशिश है कि इन बच्चों को इनकरेज किया जाए और ये टूर्नामेंट अच्छे से हो और फिर जो बच्चे इसमें अच्छा करेंगे उनको फर्दर नर्चर करने के लिए जो आगे प्रोग्राम है उसे भी